I was going to become a first-time voter when I was 21 years old. When I saw my name on the voters list, I was really excited. And many days before the election day, I made sure that I got the slip. And early morning, I was at the booth to cast my vote in the paper ballots at that point in time. My first voting still I remember. But many years later, after so many elections and voting, I still make sure that I don't miss an opportunity to go and cast my vote. Because that is a right and that's a privilege that is given to every Indian citizen to select his representative to decide the future of the nation. On the voting day, don't forget to be there. Even if you have some difficulties of reaching the voting station because of your family commitments, your personal commitments, still you are making a wrong choice when you decide that I am not going to vote, because it is a privilege and one of the highest power that is in your hands that is available to cast your vote. Make sure you do that. Your vote is an investment in our scientific and technological capabilities. When you vote for progress and a better tomorrow. Your vote decides the direction that India takes as a nation. 5 minutes every 5 years for our nation. Isn't it doable? Yes, it is. Let's vote with pride. My vote, my voice. नमस्कार। आजकल सारा भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होने के लिए तैयार है और चारों तरफ चुनावों की गूंज है, महक है, खुशबू है, रौनक है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द और इसकी जिम्मेदारी, ये चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हमारे निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना और चुनाव नतीजों तक की भूमिका हमारा निर्वाचन आयोग निभाता है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और यहां चुनाव करवाने की जिम्मेदारी यहां के मुख्य चुनाव अधिकारी की है और जनाब पीके पोले साहब, जो कि यूटी ऑफ जेएंडके के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी इसकी चहल पहल और रौनक देखने को मिल रही है। चुनाव की तैयारियां तो निर्वाचन आयोग तो करवाता ही है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का नाम आते ही एक सिक्योरिटी, हालांकि माहौल बहुत ठीक है, पहले से बहुत अच्छे हैं, सीमाओं पर भी शांति है, कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अब चुनाव है तो क्योंकि हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, नियंत्रण रेखा भी हमारे यहाँ है, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या इंतजाम चुनावों के लिए किए गए हैं, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप बताएं। जैसे कि आपने सबसे पहले सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन रिलेटेड जो प्रिपेयर्डनेस रहती है उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिक्योरिटी रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस जो है टॉप प्रायोरिटी लेती है। इलेक्शन शुरू होने से पहले जो परिस्थिति रहती है उसका डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, उसका जायजा लिया जाता है। जिले लेवल पर उसके लिए एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग की कमेटी रहती है जिसमें कि हमारे मैजिस्ट्रेट रहते हैं और पुलिस के भी जो है काउंटर पार्ट ऑफिसर्स उसमें रहते हैं, नॉर्मली SDPO रैंक के, और वो हर एक सेक्टर में हर एक पोलिंग स्टेशन विलेजेस का जायजा लेकर के उस पर क्रिटिकलिटी एनालिसिस करते हैं, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी बोलते हैं। वारंट मैपिंग के हिसाब से रिक्विजन की जाती है फोर्स जो बाहर से आनी है, इंटरनल फोर्स कैसे मूव करनी है, कौन से जिले से कौन से फेज में मूव करनी है, उसका प्लान एक बनाया रहता है जी। जब एक्चुअल शेड्यूल अनाउंस होता है उसके बाद और उस प्लान में जो है फाइन ट्यूनिंग की जाती है, और अभी जो है क्योंकि शेड्यूल नोटिफाई हो चुके हैं ऑलमोस्ट मोर देन 25 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, 20 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, और अभी जो है फर्स्ट फेज के पोल जो है हमें हार्डली 10 दिन पर आ गए। पांचों फेजेस में जो हमारी फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वर्कड आउट है,
उसमें से कितने लोकल अवेलेबल होंगे और कितना बाहर से अवेलेबल होगा वो भी हमने तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर सरकार भी जो बनती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों की मर्जी से बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है। हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जी। तो लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है मतदान का दिन उसे एक छुट्टी मानते हैं, ये जिम्मेदारी नहीं समझते कि वोट हमारा कितना अहम है। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए आपने क्या क्या इस तरह की गतिविधियां की हैं या कर रहे हैं ताकि लोग सहर्ष खुद आए, आगे आए वोट डालने? बिल्कुल नहीं, आपने जो बहुत ही अहम बात कही है, राइट टू वोट सिर्फ ये राइट ही नहीं है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, ड्यूटीज भी आती है, कर्तव्य भी आता है। सिर्फ हक जो है अकेले नहीं आता है, उसके साथ आपको जो है उसका कर्तव्य भी निभाना पड़ता है। आप वोटर बने हैं, वोटर बनने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस आपने अटेंड की है, जिसमें एज है, नॉर्मल रेजिडेंस है, सिटीजन इंडिया का होना, वो सब चीज़ें आपने क्वालिफाई की है। अब आप वोटर बनने के बाद सिर्फ आप इपिक के लिए अगर वोटर बनते हैं तो वो कोई लाजमी बात नहीं है। आप वोटर बने हैं वोटिंग करने के लिए, जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप चूज करना चाहते हैं, ज़रूर उसके फेवर में वोट करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ रखा हुआ है, उसको नॉमिनेट किया है, या मान लीजिए इंडिपेंडेंट खड़े हैं, उनमें से कोई अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी आपके चॉइस में नहीं फॉल करता है, तो ज़रूर एक ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव, नोटा का ऑप्शन उस पर दिया है, और आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सर, एक मतदान वाले दिन जी, बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं हमारे पोलिंग स्टेशंस पर उपलब्ध होती हैं, और इस बार क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि गर्मी जो है वो सामान्य से ज़्यादा रहने जा रही है मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के दौरान, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस के लिए, पोलिंग बूथ्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज आपकी तरफ से उपलब्ध हैं? ये जो एडवाइजरी है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये बेसिकली प्लेन्स के स्टेट्स के लिए, हमारे भी यूनियन टेरिटरी में जो प्लेन्स का जो भाग है, कठुआ, सांबा, जम्मू, यहाँ गर्मी अभी भी जो है काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट दो फेजेस में ही ये पोर्शन ओवर हो रहा है, तो हमारे यहाँ उतना चिंता की बात नहीं। नॉर्मल यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा जाता है जून जुलाई में, तब तक तो हम यहाँ के जो है पोलिंग फेजेस जो है ओवर हो चुके होंगे। स्टिल जो है उसमें जो भी प्रिकॉशनरी मेजर से हम करेंगे। सर, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो घाटी से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, तो या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, तो उनके जो वोटिंग हम देखते हैं, कुछ खास माइग्रेंट्स के लिए पोलिंग बूथ्स बनाए गए होते हैं, तो वहाँ उनका रवैया इतना उदासीन सा रहता है, मतलब उतनी एनकरेजिंग नंबर ऑफ वोटर्स नहीं रहते, तो उनको मोटिवेट करने के लिए या ज़्यादा उनके लिए इजी या ज़्यादा फैसिलिटीज देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके तहत स्पेशल वोटर्स के तौर पर जो है हमने कश्मीरी माइग्रेंट्स को उसमें फैसिलिटी दी है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्कीम जो है तकरीबन दो हफ्ते पहले ही नोटिफाई कर चुके हैं, और अब तक जो है तकरीबन 17-18 हज़ार के करीब जो इस पर वोटर्स के एप्लीकेशंस आ चुके हैं। डेफिनेटली आप जैसा कहते हैं कि इसमें थोड़ा एप्लीकेशंस कम आते हैं और वोटिंग परसेंटेज भी काफ़ी कम रहता है, हमारा भी प्रयास रह रहा है कि उनको उनके तक पहुँच सके, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको एड्रेस करने का प्रयास करें, और उसके लिए हमने 21 पोलिंग स्टेशंस जम्मू कश्मीर में स्पेशली बनाए हैं, 21 जम्मू में है, एक उधमपुर में है, 22 हो गए, और 4 पोलिंग स्टेशंस जैसे पहले से रहते आ रहे दिल्ली में है, उसके लोकेशंस ऑलरेडी हमने नोटिफाई कर चुके हैं, और फॉर्म यम रहता है जिसके लिए इन पोलिंग स्टेशन पर अगर कोई वोट करना चाहता है वो भरना पड़ता है जी। लेकिन अगर कोई माइग्रेंट इन पोलिंग स्टेशन पर गए बगैर घर से वोट करना चाहता है तो पोस्टल बैलेट की सुविधा है जी। पोस्टल बैलेट की सुविधा को जो है 12C बोलते हैं। 12C फॉर्म जो है आजकल कहीं भी वेबसाइट पर जाएंगे या किसी भी हमारे वेबसाइट्स पर भी रखा हुआ है, वो फॉर्म डाउनलोड करें, फॉर्म भरें, गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करें और पोस्ट में डाल दीजिए। पोस्ट में डालने के बाद जो है हमारे AIRO माइग्रेंट जो जम्मू है रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में,
वो देखते हैं कि इलेक्टोरोल में उनका नाम है, नाम अगर है तो उस हिसाब से फिर वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो बैलेट जब बन जाएगा वो बैलेट फिर पोस्ट के जरिए से उनको वहाँ भेजते हैं। उन्होंने फिर जो दो लिफाफे रहते हैं और दो लिफाफे में जो है एक गैजेटेड ऑफिसर्स के अटेस्टेशन रखता है, एक में उनका बैलेट रहता है, वो डाल करके जो है काउंटिंग के दिन के पहले तक जो है उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुँच जाने चाहिए। हमारा प्रयास रह रहा है कि इसमें माइग्रेंट्स की जो वोटिंग काफ़ी लो परसेंटेज रहते हैं उसको बढ़ाने का। सर अब हम बात करते हैं अपनी मीडिया पर्सन्स की या फिर असेंशियल सर्विसेज, जो असेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि पोलिंग वाले दिन उनको छुट्टी होगी जी, तो उनके लिए कोई सुविधा या उनको अपने काम से ही समय निकाल कर वोट डालना जाना पड़ेगा? नहीं, मीडिया पर्सन्स जो है काफ़ी असेंशियल ड्यूटी निभाते हैं और हमने जो है उनको असेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में रखा है। तो एसेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में रखने के चलते जो है आप भी अगर ये पर्टिकुलर उसका एक प्रोसेस है उसके तहत अप्लाई करें, आपको भी जो है वो जो स्पेशल वोटिंग की फैसिलिटी है वो आपको अवेलेबल हो सकती है। जैसे हम दूसरे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, कहीं हेल्थ के हैं, बिजली महकमे के हैं, उनको भी जो फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं वो भी आपके लिए भी अवेलेबल होगी। इसमें आपका एक्रेडिशन और बाकी चीज़ें देखी जाती है और उस बेसिस पर आप जो है ज़रूर उसको यूज कर सकते। मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए बताइए कि ये सी विजिल ऐप है क्या, किस तरह से काम कर रही है और अगर एक आम नागरिक उसका इस्तेमाल करना चाहे तो वो किस प्रकार करें? पहले तो बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कैंडिडेट्स है या आम शहरी है, वो एक अपना एक इलेक्शन के दिनों में एक पर्टिकुलर SOP फॉलो करे जी, उसके बियॉन्ड कोई नहीं जाए। तो ब्रीफ में जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अलग अलग स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जी। तो इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स है उन्होंने अपना अपना रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको कंप्लाई करना होता है और कहीं अगर किसी का उल्लंघन किसी साइड से होता है तो उसको फिर जो है कानूनन प्रोसेस किया जाता है, इंक्लूडिंग FIR भी हम दर्ज करते हैं और कुछ किए भी हैं जी। आम शहरी को अगर कहीं उसको नोटिस में आ जाता है कि कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशंस हो रहा है तो वो अपने मोबाइल पर सी विजिल ऐप डाउनलोड कर सकता है और सी विजिल ऐप में जो है वहाँ का फ़ोटो खींच करके अगर कोई चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है या कम्युनिकेशन गैप रहने के चांसेस है तो उस हालात में वो वहाँ का फोटो या वीडियो खींच करके ऑटोमेटिकली अपलोड कर सकता है सी विजिल ऐप पर। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप जनता से अपील क्या करेंगे कि किस तरह वो वोट डालें और राष्ट्र निर्माण में अपने हिस्से का योगदान दें? बेसिकली आपने जो भी सुना, मैंने जैसे कहा कि पिछले तकरीबन 8-10 महीने से इस पर तैयारियां चालू हैं, 11,629 जगह पर पोलिंग स्टेशंस होंगे, 11,629 हमारे पोलिंग स्टेशंस पूरे यूनियन टेरिटरीज के 5 फेजेस में हैं। विलेजेस की अगर बात करूँ तो 5,500 से ज़्यादा हमारे विलेजेस नहीं है, मतलब इवन कहीं विलेजेस से ज़्यादा जो है संख्या से ज़्यादा हमने पोलिंग स्टेशंस रखे हैं। तकरीबन 75,000 के करीब मुलाजिम इन 5 फेजेस में पोल ड्यूटी देने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ही नहीं, पोलिंग ऑफिसर्स भी है और दूसरा भी स्टाफ है, उतना ही जो है सिक्योरिटी अमला इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सब मेहनत, ये सब प्लानिंग, ये सब काम जो है चाहे गवर्नमेंट मशीनरी का है या कैंडिडेट का है, पॉलिटिकल पार्टीज का है, उन सब का है कि हर किसी ने जो है राइट टू वोट एक्सरसाइज करना चाहिए। मेरी आपसे दूरदर्शन के जरिए से ये अपील है कि आप अपना जो राइट टू वोट जो एक अमूल्य राइट है उसको एक्सरसाइज करें, जिस भी कैंडिडेट के फेवर में, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आप वोट करना चाहते ज़रूर करें, लेकिन वोटिंग ज़रूर करें। शुक्रिया, थैंक यू। अपने बिजी शेड्यूल से सर आपने हमारे लिए, हमारे अनुरोध पर टाइम निकाला और ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू।